यहाँ से एडवेंचर 250 उतर रहा है सीढ़ी से, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है यार। और शाम में भी हम लोग को आज है डेट 26 जून और टाइम हो रहा है 7:40। तो आज जा रहे हैं हम लोग पतरातू KTM शोरूम के साइड से, और हम लोग निकल चुके हैं मांडर से। बेसिकली मेरा घर मांडर में ही है। अब चलते हैं इधर से, अभी तो मीटर पॉइंट है KTM पंडरा। तो अपना मुंडा ब्रो आया हुआ है। ये RC है पर DL नंबर है। एक 250 है, 200 है, 2390 ड्यूक, BS4 है, और इधर RC इधर है, ड्यूक इधर है। तो अभी ऊपर जाना है। बाहर से तो लग रहा है कि बंद है, बट ऊपर बुलाया गया था। तो जॉनसन सब आ गया है, कैप्टन भी आ गया है, लारेक्स आ गया, एडिशन सब आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट सब ही आ गया है। तो बस इस गेट को खोलते ही हम लोग KTM शोरूम में प्रवेश कर रहे हैं। अरे नहीं है, बस एडवेंचर है और RC है, स्क्वर्ना भी नहीं है। इसे फिल कर रहा है और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसे फॉलो करना रहता है। तो जब भी आप अगर राइड पे आते हो तो ये चीज़ को जरूर पढ़े एक बार, क्योंकि विदाउट पढ़े साइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मिल चुका है फॉर्म, इसको भरना है और जमा करना है, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। ये एक फॉर्मेलिटी है, राइड से निकलने से पहले ये हमेशा फॉर्मेलिटी करना ही पड़ता है और करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग जा रहे हैं आज KTM के साइड से राइड, और फिर देखिए ऊपर में चढ़ने के बाद सब पबजी में घुस गया। यहाँ पे गौरव चल रहा है अपना, जॉनसन 2v2 चल रहा है, यहाँ पे एडिशन भी अपना खेल रहा है। यहाँ से एडवेंचर 250 उतर रहा है सीढ़ी से, सब गियर अप हो चुका है। थ्रॉटल भैया लेट में आए थे थोड़ा। हाँ लारेक्स आज आगे चला गया और बीच में है क्वीन। आज काफ़ी लोग हैं, पिछले बार के मुकाबले आज बहुत लोग आए हैं, और हम लोग ये सब लोग कुछ लोग पूरा सूटअप है। अपना सेफ्टी लेके चलना है ब्रो। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब यार रिलायंस पेट्रोल पंप, यहाँ यहीं पे फ्यूल अप होगा सबका। अब देखते हैं कितना कितना का फ्यूल अप होता है। कड़ी धूप में खड़े हैं, थ्रॉटल भी अकेले खड़े हैं, हेलो करो ऐसे। थ्रॉटल और एडिशन थोड़ा दूर खड़ा है, बाकी हम लोग इधर कैप्टन भैया, लारेक्स, जॉनसन और हम लोग सब खड़े हुए फ्यूल अप कराने के लिए। बट व्हाट, लेट लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। आखिरकार बहुत वेट करने के बाद अपना टाइम आ ही गया, अपना टाइम आएगा। फिर से लाइन अप लग रहा है, फ्यूल अप होने के बाद फिर लाइन अप लग रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से शुरू हो चुका है KTM की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया हुआ राइड। गर्मी लग रहा है, ऊपर से इतना जैकेट्स यार।
आज का है हमारा राइड यहाँ से। अब भाई नहीं रुकने का मन है यार, मत रोकना भाई, मत रोकना। माथा टेकना हो गया। हाँ खरीदेंगे। हाँ तो माथा टेकने के बाद हो गया है, अब चलो ब्लेसिंग्स भी मिल गया है गॉड के साइड से, चलते हैं अब। शायद ऐसे मुड़ान में अब सावधानी से ही चलाएं तो बेहतर होगा। क्या का व्यू तो और खतरनाक दिख रहा है यार, क्या ही बोले, फिदा हो जाते जब भी आते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आए और फिर बहुत ख़राब व्यू मिला हो, यहाँ का व्यू ही कुछ ऐसा है कि बार बार आने का मन करता ही है, क्या ही कर सकते हैं। रुके से अब डिसाइड होगा कि आगे जाना है या नहीं। मेरा ना लग रहा अपने तो गाइस कुछ ऐसा व्यू है पत्रातू का, इधर पूरा बहुत सही लग रहा है। ये वैली है पूरा, इधर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके वैली है, फिर वो उधर रास्ता जाता है। पहाड़ बहुत सही लग रहा है यार, फिर रुका हुआ है सारा बाइक्स। अरे हम यहाँ से भी कुछ खाया पिया जाएगा। पकड़ के बैठना है तो जॉनसन का बाइक, ब्रेक में लगा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेम्बो का, सेक्सी लुक आता है बट कुछ ज़्यादा ही छोटा डिब्बा है, इतना छोटा है। तो मस्त धूप निकल चुका है और टाइम हो रहा है, टाइम शायद इसमें गलत है बट आई थिंक 12-1 बज रहा होगा, आई थिंक अंदाज से बता रहे हैं कि शायद से 12-1 बज रहा होगा, हमको नहीं पता कितना बज रहा है बट जो भी है धूप निकल चुका है। अब उतना गर्मी तो नहीं लग रहा है बट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मज़ा आ रहा है बस। छपरी राइडर
बिना हेलमेट के भाई। तो अब रुके हैं अमृत ढाबा में। हाँ क्या डिस्काउंट नहीं दिया था तो हम लोग रुके हैं अमृत ढाबा में, यहाँ पे लंच करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रहा है यार। मन तो कर रहा है सब कुछ जो मिले सब खा जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगा खाने के लिए अच्छा खासा खाएंगे। और यहाँ पे सब बैठा हुआ है लंच का इंतज़ार में, बिरयानी आ रहा है लंच में, सब बोर हो रहा है, सब थक गया है, बहुत टायर्ड हो गया। तब हम लोग आए लंच के लिए, हमारे बगल में बैठा हुआ है, उनके बगल में उसके बाद फिर करते हैं लंच, हमें बिरयानी मिल रहा है लंच में। भैया तो वेज है, तो खाना वाना हो गया, लंच सब हो गया, सब पेट भर के खा लिया है, अब यहाँ से रवाना होने का टाइम हो चुका है। हो चुका है यहाँ से निकलने का प्लान और बहुत ज़्यादा टाइम ही हो गया है, 1 बज रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है यार। और में भी हम लोगों को प्लान है कुछ कॉन्सर्ट में जाने का, अगर उधर गए तो उधर का भी एक व्लॉग अपलोड कर ही देंगे। ठीक है तब निकलते हैं। तो अभी भी हम चला रहे हैं जॉनसन का बाइक, उसको मेरा चलाना था, उसको पसंद आ गया था, वो भी 390 लेने वाला है, तो उसको चेक करना था पावर वावर 20 PS4 का, तो वही बस मज़ा आ रहा है यार, मेरा 250 का याद आ गया, बहुत इमोशंस जुड़ा था यार मेरा 250 से, बट क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और हमको बेचना पड़ा मेरा 250, और अभी 390 लिए हैं। अब यहाँ से हमको लेना है राइट, क्योंकि अब हम जाएंगे घर। अब निकलते हैं हम, तब इधर से घर जाना है हमको। ठीक है मुंडा, ठीक है चलते हैं। ठीक है भैया चलते हैं, ठीक है ठीक है, मिलते हैं शाम में। ठीक चलो एडिशन। तो मज़ा आया KTM के साइड से राइड जाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पतरा तो, बट हमको कुछ बात जो है अच्छा नहीं लगा कि मतलब टाइम से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, फिर बार बार रुकना पड़ जा रहा था। बाकी सब सही था कि फ्यूल अप कराया, और थोड़ा ज़्यादा फ्यूल अप कराना चाहिए, इतना मेजर कभी कौन चलता है भाई, अगर अगर कुछ अगर कहीं जा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा का भराओ यार, फ्यूल अप करवाओ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि अगर 350 का भराया है तो 350 में ही हो जाएगा। मान के चलो ठीक है, अगर एवरेज स्पीड में जाते हैं तब हो सकता है, बट देखो KTM है, तुम स्पीड चलाओगे तो फिर पेट्रोल तो पिएगा ही, क्योंकि पावर है गाड़ी में, CC के अकॉर्डिंग बहुत पावर है, तो इसीलिए फ्यूल थोड़ा ज़्यादा कराना चाहिए। और टाइमिंग था वो ठीक नहीं था, और हर बार नाश्ता देता था सुबह में, बट इस बार पता नहीं नाश्ता क्यों नहीं दिया, मैं भी शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए सुबह नाश्ता नहीं दिया, जिसका हमको बहुत ज़्यादा वेट था कि मिलेगा, क्योंकि हर बार मिलता था इसीलिए, क्योंकि कुछ खा के भी नहीं गए थे। तो ठीक है गाइस, अब करते हैं ब्लॉग को एंड, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो करें, उससे आपको पता चलता है कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है।
तो ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।